All right, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Aditya. Evening Pratmesh. Evening Tanmay. Hi Rudra. Hi Shubham. हाँ ऐसा क्यों लगा तुम्हें रुद्र कि मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा है? लास्ट क्लास के नोट्स मैंने शेयर कर तो दिए, नहीं करे थे क्या? हाँ आज सुबह ही करे थे या कल रात को ही करे थे आई थिंक. ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन स्टार्ट किया था ना? करेक्ट. सो लेट्स कंटिन्यू विद देम. ठीक है, आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्स कंप्लीट करके मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, जो कि रेजोनेंस वाले पार्ट का होमवर्क भी ऑल्सो इंक्लूडेड रहेगा उसमें. ठीक है, सो लास्ट क्लास में एज अ क्विक रिकैप हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स का डिस्कस किया था एंड उनके डायरेक्शनल नेचर पे बात करते हुए मैंने आपको ये कुछ सॉलिड HF और सॉलिड H2O के एग्जांपल बताए थे. लाइक इनमें एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म रहता है बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच शोकेसेस देयर डायरेक्शनल नेचर. ऐसा नहीं है कि रैंडमली डेल्टा पॉजिटिव H और डेल्टा नेगेटिव O अट्रैक्टर है. It is between the lone pair and the delta positive H that this hydrogen bond formation occurs. And इसमें मैंने आपको HCl का example लेते हुए भी बताया था that HCl HCl के बीच में we don't consider it to be hydrogen bonding because again यहाँ पर we say that hydrogen fluorine chlorine fluorine oxygen and nitrogen के साथ में bonded है, तभी हम लोग hydrogen bonding के example ले रहे हैं. एंड उसमें वॉट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग दैट हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ में बॉन्डेड है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भले ही उसके ऊपर अच्छा खासा है, बट देन क्लोरीन का लोन पेयर जो रहेगा दैट इज नॉट समथिंग विच विल बी यू नो यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड इन साइज सो एज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द डेल्टा पॉजिटिव एच. वी सी दैट द क्लोरीन का लोन पेयर इज distributed over a larger region, right? And to say the directional nature doesn't come in, right? यहाँ तक हम लोगों ने last class में discuss किया था, and then ये भी एक कुछ set of examples थे जो मैं last class में explain नहीं कर पाया था, but यहाँ पर भी ये तीन case मैंने आपके सामने draw किए थे, जिसमें we had talked about hydrogen bonding होगा कि नहीं होगा, right? So this was one example. This was one example जहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन किया था. ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. लेट्स से ये सी एच ओ यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ये ओ एच ऑर्थो पोजिशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. अगर ये मेटा या पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होगा तो फिर हम लोग इस टाइप का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लेंगे बिकॉज व्हाट वी सी इज दैट द डिस्टेंस इज टू फार फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म. ठीक है, यहाँ पर ये जस्ट ऑर्थो पोजिशन पे है तो हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इफ इट इज एट मेटा और पैरा, ठीक है, देन द डिस्टेंस विल बी टू मच. एंड देन मैंने आपको ये भी एग्जांपल बताया था एक सी एच थ्री सी ओ एच का, राइट? सी एच थ्री सी ओ एच में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन दिस केस राइट will there be a hydrogen bonding. तो अब you can say कि यहाँ पर ये सी एच थ्री सी ओ ओ एच में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, बट अगेन वी डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स
बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी दैट फोर मेंबर रिंग बननी होगी. फोर मेंबर रिंग अगेन विद लोन पेयर्स एंड ऑल इज क्वाइट अनस्टेबल. सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. समथिंग लाइक दिस वेयर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होकर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. एंड ये कितना कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स मेंबर है. तो इसमें वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. लाइक 5 to 6 मेंबर रिंग इंक्लोजर्स आर जनरली व्हाट आर ऑब्जर्व्ड इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. ये वाले केसेस में नहीं होगा फॉर रीजंस ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ यू. सो लास्ट क्लास में यहां तक का पार्ट हम लोगों ने देखा था, विच वॉज रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं. नाउ बिफोर आई प्रोसीड इन दीज डिटेल्स, आपको पिछले वाले पोर्शन में से कुछ डाउट है, एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? Cl is donor, NFOR acceptor, then will it form hydrogen bond? वैसे रहेगा पूर्णा, आगे एग्जाम्पल आएगा ऐसा, ठीक है, बट नॉट अभी के लिए. यू विल कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ सच एग्जाम्पल्स इन ऑर्गेनिक केम थोड़ा आगे, बट नॉट राइट नाउ. अभी के लिए विल जस्ट कीप आर डिस्कशन रेस्ट्रिक्टेड टू ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड नाइट्रोजन ओनली, ठीक है. हाँ, इंट्रामोलिकुलर में क्या श्रेया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉज वेयर द डोनर एंड द एक्सेप्टर आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, that is called as intramolecular hydrogen bonding, intramolecular within the molecule itself, ठीक है. अब इसमें ऐसा नहीं करना कि लाइक जैसे मैंने ये ऑर्थो पोजिशन पर बनाया हुआ है, ठीक है. तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बट अगर इसी में मैं इस तरीके से बना दूं, ये मान लो पैरा पोजिशन पर है या मेटा पोजिशन पर है, तो दिस इज नॉट समथिंग द केस. इतना डिस्टेंस होगा ही नहीं चलेगा. दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. ये कंपाउंड इंटरमोलिकुलर शो करेगा, राइट. इट कैन कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देम, बट नॉट विद इन इट सेल्फ, ठीक है. ऑल राइट, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स और आएंगे सामने हमारे. हाँ हाँ तन्मय, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो यहां पर नोटिस करना, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे विथ कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Now, if you remember in the beginning of our discussion of hydrogen bonding, मैंने आपको ये explain किया था that when we talk about hydrogen bonds, we talk about two parts of it. एक तो रहेगा hydrogen bond donor and hydrogen bond acceptor, right? तो यहाँ पर अगर हम strength of hydrogen bond को देखना चाहते हैं, तो इन्हीं को we need to observe and compare. Now, the first factor which comes in deciding the hydrogen bond ka strength is the electronegativity of the donor. So, yahan par ye jo X hai, which is attached to the hydrogen atom,
अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ, राइट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन ज्यादा होगा, एंड अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। देन यहां पर जो एक्सेप्टर है वाई, उसके ऊपर भी नोटिस करना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी फर्क पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एक्सेप्टर, राइट, जो लोन पेयर लेके आ रहा है, वो अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बिकॉज द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस ऑफ वाई एज कंपेयर टू द डेल्टा प्लस ऑफ एच, ठीक है? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही तो फिर लोन पेयर का इस एच प्लस के साथ में अट्रैक्शन का टेंडेंसी विल बी रिड्यूस्ड। नाउ बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, नोटिस करना, इफ आई आस्क यू टू कंपेयर दीज केसेस, ठीक है? सो यहां पर यू कैन सी दिस इज लाइक द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिससे 9 केसेस बन गए। इनके बीच में मुझे आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नोटिस करोगे फर्स्ट फैक्टर, दिस इज एक्चुअली द डोमिनेटिंग फैक्टर। सो यहां पर आप नोटिस करना, इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड केस इट इज फ्लोरीन विच इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम, whereas in the fourth, fifth and the sixth case it is the oxygen that is bonded to the hydrogen atom, and in the seventh it is nitrogen, seventh, eighth and ninth it is the nitrogen that is bonded to the hydrogen. So yahan par partial positive charge in case of 1 2 3 will be more as compared to 4 5 6 as compared to 7 8 9. So collectively I can say that 1 2 3 4 5 6 se zyada honge and 4 5 6 7 8 9 se zyada honge in terms of their hydrogen bonding strength. अब यहां पर आप नोटिस करो बिटवीन अ ग्रुप, लाइक बिटवीन से 7 8 9 में मुझे कंपेयर करना है, तो 7 8 9 में कैसा रहेगा? नाउ ये तो सेम है सबके लिए, 7 8 9 में एन इज बॉन्डेड टू एच, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर, सॉरी द एक्सेप्टर। तो यहां पर 9 का स्ट्रेंथ 8 से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 7। राइट, तो इन केस में क्या हो गया, क्योंकि NH तो सब में सेम है इन 7 8 9 में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन कम हुआ तो उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता या फ्लोरीन होता तो, ठीक है? सिमिलरली राइट, अगर अब मुझे यहां पर भी जाना है, ठीक है, 4 5 6 में, तो मेरा कंपैरिजन कैसा रहेगा बिटवीन 4 5 एंड 6, 6 विल बी मोर देन 5, विल बी मोर देन, राइट, एंड बिटवीन 1 2 3, ठीक है, मेरा आंसर कैसा रहेगा यहां पे नोटिस करना, 1 2 3 में इट शुड हैव बीन 3 2 1, ठीक है, बट 1 का थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा, इट शुड हैव बीन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, बट 1 इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल केस, इट विल बी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। टू गिव यू अ आइडिया इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज, लाइक जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एनर्जी रहेंगी, तो यहाँ पर आप नोटिस करो दैट ये जो सिक्स वाला केस है, ओ एच एंड एन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दे आर लाइक 20 30 किलो जूल्स, 10 8, ऐसे 13 8 किलो जूल्स, इन सब के अराउंड है, 10 to 20 30 किलो जूल्स पर मोल है,
ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यू कैन सी इनका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। हाउएवर ये वाला जो केस है FHF वाला, राइट, ये थोड़ा सा आपका एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग केस आ जाता है। क्यों आता है उसके पीछे का मैं एक क्विक जस्टिफिकेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। So, यहाँ पर ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। तो आप नोटिस करना किस तरीके से इसके पीछे का जस्टिफिकेशन लगाया जाता है। यहाँ पर इन सॉलिड HF और द बाइफ्लोराइड आयन फाउंड बाय HF2-, ठीक है, इसको बाइफ्लोराइड आयन कहते हैं यहाँ पर, HF2-। और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ आइस अंडर हाई प्रेशर, देर इज दिस सिमेट्री इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लाइक वॉट इज दिस सिमेट्री दैट इज बींग टॉक्ड अबाउट। यहां पर आप नोटिस करोगे द सिमेट्री दैट इज बींग टॉक्ड अबाउट इज दिस इक्विडिस्टेंट नेचर। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, दिस प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इन बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है, इन जनरल कैसा रहता है? इन जनरल यहां पर आप नोटिस करना, इन जनरल हम लोगों ने भी डिस्कस किया, ये XH एंड Y के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। सो इन जनरल क्या ऑब्जर्वेशन होता है? दैट कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड था और ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। बट इन केस ऑफ दिस एग्जाम्पल जो ये FHF था, या फिर OHO भी रहता है, बट दिस इज नॉट इन रेगुलर केसेस, दिस इज आइस अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, नॉट इवन नॉर्मल प्रेशर, इन अंडर वेरी हाई प्रेशर कंडीशंस। यहां पर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस H which is there, it is you can say equidistant between the two electronegative atoms. And यहाँ पर what we say, like the theory that goes behind is, it goes in saying that in this case these electrons which are there, ये जो लोन पेयर था इसका, एंड यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर था, यहाँ पर इसका लोन पेयर और यहाँ पर इसका कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, दीज फोर आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। सो दिस काइंड ऑफ लीड्स टू कैसा था, ये पहले स्ट्रांग था, ये वीक था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन दैट हैज हैपेंड, दोनों ही मतलब सिमिलर स्ट्रेंथ के आ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सेप्शनली हाई स्ट्रेंथ इन केस ऑफ दिस एग्जांपल, दिस FHF, लाइक यू कैन सी ऑफ द सॉलिड HF या फिर बाइफ्लोराइड आयन के अंदर, HF2- के अंदर। इन दिस केस दिस आइडेंटिकल पोजिशनिंग it leads to a greater energy. Now you don't need to even remember this explanation also, ठीक है, it is just okay, like if you only remember this exceptional case. आपको strength of hydrogen bond compare करना था, ठीक है, आपने factors समझ लिए that okay there are two factors involved, one is the electronegativity of the atom which is attached to the hydrogen, that is the donor atom.
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विच इज ब्रिंगिंग द लोन पेयर द एक्सेप्टर एटम. If the electronegativity of the donor is increasing, hydrogen bond ka strength increases, and if the electronegativity of the acceptor increases, then hydrogen bond ka strength decreases. And based on that, if I was to ask you to do this comparison, so isme like the first factor plays a dominating role, and based on this collectively, you can say that 1, 2, 3 ka strength is more than 4, 5, 6 ka, more than 7, 8, 9 ka. And within each one of them, because the first factor is same, second factor ke hisab se jayenge. तो यहां तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है. ठीक है, यहां पर ये छोटा सा एक्सेप्शन है दैट एफएचएफ के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज्यादा आ जाता है. इतना याद रख लो तो काफी है आपके लिए, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट दैट व्हाई इज इट द केस, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस लाइक सॉलिड एचएफ, एचएफ टू माइनस आयन जो रहता है. And even for ice under high pressure conditions, what is saying is that the symmetry of hydrogen bond plays a role. Like symmetry in the hydrogen bonds is in this following manner that यहाँ पर ये जो distance है between the hydrogen bond and the covalent bonded atom versus hydrogen bond and the as in hydrogen and the hydrogen bonded atom, ये same रहता है. In fact, same observe होता है. तो इसके पीछे का रीजन ये दिया जाता है दैट यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डीलोकलाइज्ड रादर देन ये कोवेलेंट के इलेक्ट्रॉन्स है या हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें ये चारों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक हायर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है. ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने कहा, आप इतना भी ध्यान रख लो आपके लिए काफी है. ठीक है, नहीं ये हर एक के केस में नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, बट यहाँ पर होने के लिए इट हैज टू बी आइस अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस ओनली. लाइक अदरवाइज दिस इज लाइक कोवेलेंट बॉन्ड छोटा रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा. ठीक है, सो इट इज ओनली अंडर दिस स्पेशल केस. ठीक है, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपके लिए ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन, बिकॉज द रीजन बाय वी डिड टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि भाई हम लोग अब मिसलेनियस बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो हम लोग ये मिसलेनियस बॉन्ड्स इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट, बट it is significant enough to be discussed because of the way in which it influences properties of compounds. So yahan par ye special examples, theek hai, I will be discussing where the properties are going to be influenced by hydrogen bonding. Now when I'm going to discuss these properties, to ek cheez dhyan se observe karna that when I will be talking about a property, उस प्रॉपर्टी के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल से अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, राइट, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट. व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट, देयर कैन बी न्यूमरस फैक्टर्स. उसके लिए पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइक सब्सटेंस और उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस समझने पड़ेंगे, एंड देन लाइक वी विल ब्रेक डाउन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पर ध्यान से सुनना और समझना, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाना नहीं, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ वॉट will be the role of hydrogen bonding in tweaking boiling point as a property. ठीक है, so एक limited perspective के साथ में आगे बढ़ेंगे. Now अब notice करना in general जब हम covalent compounds में boiling point के बारे में बात करते हैं तो एक
थंब रूल किस तरीके से रहता है, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स CH4 C2H6 राइट, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरीके से आप बात कर रहे हो, तो ये जो लोअर मॉलिकुलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अंडर आर नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. इसके आगे के जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऑक्टेन नोनेन डेकेन, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. राइट, मॉलिकुलर वेट बढ़ रहा है एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. इवन हायर हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं C20 C30 वाली कैटेगरी के, वो वैक्सेस के फॉर्म में, सॉलिड वैक्सेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, थंब रूल की तरह ही एक. राइट, यू कैन ऑल्सो नोटिस सम अदर एग्जाम्पल्स इफ यू वुड वॉन्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नोटिस F2 Br2 I2 राइट, तो F2 कैसा रहता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे गैस के फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन लिक्विड रहता है, आयोडीन सॉलिड रहता है. राइट, सो अगेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है व्हाट वी अंडरस्टैंड इज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है. सो दिस वॉज सपोज टू बी द जनरल ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ से कंपेयरिंग HF, HCl, HBr एंड HI ऑल्सो. ठीक है, अगर इन कंपाउंड्स का मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना चाहूँगा तो इसमें कैसा रहेगा, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वैसा ऑब्जर्व भी होता है HCl, HBr और HI के केस में. Now what we would be expecting is कि HF का boiling point इन सब में least हो, but what we actually find is that HF का boiling point इन सबसे ज्यादा observe होता है. Now why that is found? The reason comes is because of intermolecular hydrogen bonding. यहां पर आप नोटिस करोगे दैट HCl, HBr एंड HI में, ठीक है, हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बट HF has what kind of interaction between molecules? HF has hydrogen bonding between molecules. Now, because hydrogen bonding जो है वो जो ये dipole dipole interactions होते हैं, dipole dipole याद है आप लोगों को, word मैंने ऊपर भी पहले बताया था कि ये HCl का एक molecule है partial positive partial negative, वैसे दूसरा मॉलिक्यूल भी रहेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में जो ये इंट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल हेयर एज वी कैन सी एंड इट इज इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ओवर हेयर. दिस इज समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ से अ नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो. When you talk about H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये सब oxygen, sulfur, selenium, tellurium, ये सब क्या है, एक ही group के element है. Right? इसमें भी अब जैसे जैसे molecular weight बढ़ता है वैसे वैसे boiling point बढ़ना चाहिए था, वैसे ही observation आना चाहिए था, और आता भी है between H2S, H2SE, H2TE. ठीक है, इन सब cases में because यहाँ पर hydrogen bonding नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यही वंडरवॉल सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. राइट, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, विद इन अ मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट मैं विद इन अ मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो हमें बिटवीन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बारे में बात करनी है.
तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट H2O के केस में अगेन बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हैपनिंग, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इवन इन केस ऑफ अमोनिया, राइट, ये NH3, PH3, ASH3, NH3, SBH3, राइट, इनके केसेस में कैसा होना चाहिए था, अगेन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वैसा हो भी रहा है। PH3, ASH3, SBH3, इन सब के केस में लाइक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इजंट द लीस्ट, इट इन फैक्ट इज हायर। कितना हायर? इतना कि PH3 और ASH3 से ज्यादा हो गया, मे बी SBH3 से ज्यादा नहीं हो पाया। हो सकता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है दैट दे आर एबल टू इवन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन SBH3, बट स्टिल स्ट्रांग इनफ टू शो अ डिसरप्शन इन द ट्रेंड। सो यहाँ पर नोटिस करना, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दीज केसेज HF, H2 एंड NH3, द बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर देन वॉट इज एक्सपेक्टेड, राइट। इनफैक्ट आप इन सब में नोटिस करोगे इन ऑल दीज केसेज, राइट, ये जो HF एंड H2O हैं, दीज आर द वंस विच आर फाउंड टू बी लिक्विड अंडर रूम कंडीशंस, बाकी सब गैस ही रहते हैं। एंड द रीजन फॉर दिस सिचुएशन इज द स्ट्रॉन्ग और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग आई शुड से हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। नाउ डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड वुड बी देयर इफ आई डू दिस कंपेरिजन बिटवीन CH4, SiH4, GeH4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, SnH4, कैसा रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, CH4 का एक्सेप्शन रहेगा क्या? विल CH4 हैव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? नहीं होता ना, तो फिर यहां पर आप नोटिस करोगे तो आपको नॉर्मल ट्रेंड दिखेगा, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपनिंग इन CH4। तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, द नॉर्मल ट्रेंड इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर, ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन ऑलमोस्ट एवरी टेक्स्ट बुक दैट यू विल स्टडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एग्जाम्पल साइट करा जाता है, because this example helps us to understand two things, one hydrogen bonding kahan kahan par role play kar raha hai, and second how it is influencing this property of boiling point, theek hai। all right, now अनदर प्रॉपर्टी, ये तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, दिस वॉज बॉइलिंग पॉइंट एज अ प्रॉपर्टी। देर आर अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो विच गेट इन्फ्लुएंस बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो नोटिस करना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा इनफैक्ट चलो बॉइलिंग पॉइंट के थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, इसमें दो एग्जाम्पल्स और हैं, लेट मी काइंड ऑफ ड्रॉ देम फॉर यू बिफोर हैंड। सो आप इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, C2H5OH एंड CH3OCH3, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इफ यू नोटिस देयर मॉलिक्यूलर वेट इट इज सेम, बट कैन यू नाउ कमेंट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम रहेगा? हाँ बोलो सुमित। सर मेरे को समझाने की, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से लाइक बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है? अभी देखो समझाऊंगा मैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा।
ओके सर, और एक वो ऊपर जो था सर HF2 जो वो था सर, उसमें मतलब बाकी सब में क्यों नहीं हो रहा सेम है जिसमें? नहीं, सो उसमें जो कंडीशन है फॉर द हाइड्रोजन बॉन्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इज दैट जो हाइड्रोजन है दैट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द टू एटम्स, द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो मतलब उसमें भी लिखा है कि वो हाई प्रेशर में है वैसे, तो बाकी सबको भी हाई प्रेशर में कर सकते हैं ना? नहीं, बाकी सब में पहली बात तो दोनों एटम आइडेंटिकल नहीं है। नहीं, जिसमें थे मतलब लाइक आइडेंटिकल्स। हाँ, तो एक ही बचा ना सिर्फ NH3 वाला। ओके बाकी सब नहीं बचा ना। आप बोलोगे ना, मतलब NH3 NH3 के बीच में आप बोल सकते हो ना, जहां पर ये चीज थी, NN वाला, NHN वाला, राइट? Yes. इसी में बोल सकते हो ना आपकी, इसमें भी लाइक OHO भी है ना? हाँ। OHO तो OHO के लिए मैंने बोला ना दैट फॉर आइस अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस सॉलिड HF बाइक्लोराइड आयन एंड आइस, ये आइस ही तो है, ओके ठीक है। सर, NH इसमें वो स्टेटमेंट में प्रोटॉन क्या लिखा है इसमें लोगों से? प्रोटॉन इज दिस H ओनली, लाइक जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस। ओके सर, इसके बारे में बताओ क्या रहा, किसका आंसर आया, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? हाँ करेक्ट, इथेनॉल का ज्यादा रहेगा ना। कैसे? अब आप नोटिस करोगे, मतलब ये एक लिक्विड रखा हुआ है जिसमें इथेनॉल है, राइट? तो इसमें कैसा रहेगा, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल C2H5OH, तो ये एक मॉलिक्यूल रहा, राइट? और एक दूसरा मॉलिक्यूल रहा, राइट? ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है राइट, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा टाइप का फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू, आप नोटिस करो, अगर मैं CH3 में बात करूंगा तो यहाँ पर इज एनी ऑफ द हाइड्रोजन केपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू कार्बन। तो यहाँ पर CH3O CH3 और इसी के जैसा एक और CH3O CH3 मॉलिक्यूल आ गया, तो उनके बीच में क्या फोर्स रहेगा? उनके बीच में जस्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, इट विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो उससे क्या हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है तो मुझे इनको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना टू सेपरेट देम। दिस इज व्हाट बॉइलिंग इज अबाउट ना, मुझे लिक्विड से गैस फेज में लेके जाना है, मुझे लिक्विड से गैस फेज में लेके जाना है, मतलब मुझे मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, मतलब मुझे एनर्जी सप्लाई करनी है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो मुझे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। समझ में आया अभी? तो यहां पर व्हाट वी आर सीइंग इज दैट बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट तो सिमिलर ही होगा दोनों का केस में, राइट? तो बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग C2H5 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3O CH3, ठीक है? अच्छा चलो कंपेयर करके बताओ बिटवीन से CH3COOH एंड CH3O C2H5, ठीक है? अगेन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है, बट किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा?
एसिटिक एसिड के केस में ज्यादा रहेगा. अगेन बिकॉज यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है राइट, जैसे यहाँ पर भी था ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज केपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला जो हाइड्रोजन रहेगा, दिस विल बी केपेबल ऑफ डूइंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. राइट, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब कार्बन के साथ में अटैच है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, ऑल राइट. चलो एक और सेट कंपेयर करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग थिंकिंग लगेगी. सो यू हैव दीज टू आइसोमर्स. आइसोमर्स है तो सेम मॉलिकुलर वेट ही होगा, है ना. इनके बीच में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? एक ऑर्थो है, एक मेटा है. नहीं सुमित, नहीं सार्थक, नहीं पूर्णा. यहां पर द करेक्ट आंसर विल बी इन दिस मैनर. करेक्ट. ऐसा क्यों? अब आप यहां पे आंसर नोटिस करो. यहां पर इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, विच इज द ऑर्थो वन, यहां पर एक्चुअली इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. जबकि इन द मेटा फॉर्म, यहां पर आप नोटिस करोगे तो इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लाइक जो हाइड्रोजन रहेगा इसका, राइट, इट कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर. अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ये इसके नेबर से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा ना, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो अगेन मुझे यहाँ पर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो एज टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन था इट वॉज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट इसने तो विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया. तो जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में इट इज नॉट इंटरैक्टिंग क्वाइट स्ट्रांगली, बिकॉज दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में इट विल बी जस्ट शोइंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर दिस हाइड्रोजन ये इंटर तो करेगा नहीं, ये इंटर तो करेगा नहीं, ये तो होगा नहीं. ये मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस टू मच है फॉर इट टू डू इंट्रा. तो ये क्या करेगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है, हाँ बोलो सुमित. सो सर जो हाइड्रोजन जो लेफ्ट वाले में जो हाइड्रोजन है सर वो इंट्रा भी कर सकता है और बाहर वाले को भी अट्रैक्ट कर पाएगा ना, तो पॉजिटिव है तो बाहर वाले में है बट वो इंट्रा ही करेगा ना, पहले तो मॉलिक्यूल बनेगा ना सर. बट दोनों कर सकता है ना. अरे मॉलिक्यूल पहले बना, बाद में वो दूसरों के विसिनिटी में आया ना, तो इसने पहले ही यहाँ पे एक स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया. ओके सर, ठीक है. तो ये अपनी नेबर्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, ये विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो ये अब नेबर्स के साथ में कम इंटरेक्शन शो कर पाएगा. ठीक है, हाँ. इंटर इंट्रा में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, राइट. ऑर्थो पोजीशन पर है एंड यू कैन सी 5 to 6 मेंबर रिंग बना रहा है, राइट. तो यहां पर वी कैन से दैट
यस इट इज अ गुड कैंडिडेट फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेटा पर है या पैरा पर है तो इट इज टू फार टू शो एनी काइंड ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, समझ में आए? ऑलराइट। हाँ पूछो ना, क्या डाउट है इसमें हर्ष? व्हाट इज इट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई अनम्यूट यू। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ सर यही सर इंट्रा और इंटा वाला सर, मतलब हाइड्रोजन इसमें कैसे इंट्रा बना रहा है एंड उधर इंटा, सर वो समझा नहीं मेरे को अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर क्या ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? नो सर, इंट्रा नहीं बना सकते सर। बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंटर बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, करेक्ट? यस सर, अच्छा, क्या यहाँ पर ये इंट्रा बना सकता है? यस सर, वो पास में। हाँ तो फिर ये इंट्रा बनाएगा, इंटर नहीं बनाएगा। ठीक ओ है, ओके सर, अब इसने इंट्रा बना लिया है और ये बाजू वाले मॉलिक्यूल्स के साथ में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल नहीं कह रहा हूँ, बिटवीन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है रिलेटिवली, करेक्ट? यस सर, यस सर, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होगा। ओके सर, ओके सर, गॉट इट, ठीक है, यस। ऑल राइट। नाउ एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी क्रूशियल एग्जाम्पल है, ठीक है? सो इसमें अब आप नोटिस करना, अगर कोई मॉलिक्यूल में इंट्रा और इंटर, ठीक है, लेट्स से अगर आपको ये डाउट अगेन एंड अगेन आ रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल में इंटर एंड इंट्रा, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है एक हाइड्रोजन के पास में, तो उसका इंट्रा ही बनाना, ठीक है? ऑलराइट। नाउ एज इन एज अ कंपैरिजन अगेन एन एग्जाम्पल, एच एफ एच टू एंड एन एच थ्री में आपको कंपैरिजन करना है बॉइलिंग पॉइंट का। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट तो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही है, राइट? 20, 18, 17, लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो द मॉलिक्यूलर वेट डजेंट डिफर मच। नाउ इनके बीच में अब आप नोटिस करोगे, सब में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, सब में ही इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एच एफ और एच एफ के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एच टू ओ के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमोनिया अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है? हाउएवर अब यहां पर एक एविडेंट कंपैरिजन कुछ इस तरीके से जरूर समझ में आता है, दैट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आप बोलना चाहोगे कि एच एफ इज ग्रेटर देन एच टू इज ग्रेटर देन एन एच थ्री, ठीक है, यू माइट वॉन्ट टू से दैट। बट यहां पर एक और फैक्टर अब रोल प्ले करेगा, ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से, व्हाट फैक्टर विल प्ले दैट रोल। यहां पर H2O का सरप्राइजिंगली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है,
as compared to HF, H2O has a higher boiling point. NH3 का कम है वो तो आपको समझ में आ रहा है, NH3 का HF से भी कम रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मुझे ओवरऑल ट्रेंड लिखना होगा राइट, तो इसमें ओवरऑल ट्रेंड कुछ इस तरीके से रहेगा, H2O greater than HF greater than NH3, ठीक है। बट H2O का HF से क्यों ज्यादा हुआ यहाँ पे नोटिस करना, इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स इन अनदर फैक्टर टू द हाईलाइट हेयर, दैट ऑल्दो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर इन HF, बट द एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल इज हायर इन केस ऑफ H2O, ठीक है। कहां से आया ये स्टेटमेंट एक बार समझने की कोशिश करना। सो इफ यू टॉक अबाउट HF, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देयर इज वन हाइड्रोजन, एंड कितने लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन फ्लोरीन, तीन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे राइट। सो नाउ इफ आई टेक वन मोल ऑफ HF, ठीक है, इफ आई टेक लेट से ये मेरे सामने तीन बकेट्स हैं राइट, इसमें वन मोल HF रखा हुआ है, इसमें वन मोल H2O रखा हुआ है, और इसमें वन मोल अमोनिया रखा हुआ है, ठीक है। तो इफ आई टेक वन मोल HF, तो मेरे पास में वन मोल हाइड्रोजन एटम्स हो गए एंड थ्री मोल लोन पेयर हो गए राइट, बट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे राइट। लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक एच और एक लोन पेयर लगेगा, अगर एक मोल एच है और तीन मोल एफ है तो ये मेरा एच लिमिटिंग रिएजेंट की तरह हो गया, तो मेरे जो एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने राइट, ये मेरा जो एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, पर मॉलिक्यूल वो कितने आ जाएंगे, एक ही बन जाएगा या पर मोल एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर अब मैं H2O का एग्जांपल देखता हूं, H2O में आप नोटिस करोगे देर आर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड टू लोन पेयर राइट। तो इफ आई आस्क अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट विल बी फॉर्मिंग पर मॉलिक्यूल, तो यहां पर अगेन द सिंपल आंसर कम्स इज यहां पर देर विल बी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव सीन इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने ड्रॉ किए थे, ठीक है, मैं इलेबोरेट करूंगा उसके ऊपर भी दोबारा एक बार देखना। एंड इन केस ऑफ NH3 आप नोटिस करोगे यहां पर विद अ मॉलिक्यूल तीन हाइड्रोजन है बट लोन पेयर तो एक ही है, ठीक है, देयर आर थ्री हाइड्रोजन बट देयर इज ओनली वन लोन पेयर। तो अगर मैं पूछूंगा कि यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा इस केस में लोन पेयर ही रह गए, तो यहां पर क्या होगा, देयर विल बी एन एवरेज ऑफ वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। सो डिस्पाइट यहां पर नोटिस करना, जैसे मैंने यहां पर लिखा डिस्पाइट HF हाइड्रोजन बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन H2O, व्हाट वी आर सीइंग इज दैट फॉर अ गिवन क्वांटिटी लाइक वन मोल ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस द ग्रेटर number of hydrogen bonds are going to be forming in case of H2O, and because of those greater number of hydrogen bonds that are forming on a per molecule basis, yahan par boiling point zyada aa jayega as compared to HF. ab
एच एफ और एन एच थ्री में तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बराबर ही आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ का फैक्टर प्ले कर जाएगा। बिटवीन एच एफ एंड एन एच थ्री द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कमिंग टू बी वन ओनली पर मॉलिक्यूल, तो फिर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर थे? एच एफ में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एन एच थ्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहां पर समझ में आया? एन एच थ्री के केस में तीन लोन पे, सॉरी तीन हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल के पास में, राइट? बट लोन पेयर तो एक ही है नाइट्रोजन के पास में। सो इफ यू हैव खूब सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड इफ आई आस्क यू दैट कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? वन पर मॉलिक्यूल दैट कैन बी फॉर्मिंग। समझ में आया अभी? सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर। ठीक है, ये H2O का स्ट्रक्चर वो अपन ने लास्ट टाइम ड्रॉ करा था, तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि एक मॉलिक्यूल के पास में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहा है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज वन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग? देयर आर फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट वन मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग, बट ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज शेयर्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो ऑन एन एवरेज, ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट H2O मॉलिक्यूल कैन मेक, तो आपका आंसर होगा फोर। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर दैट इट कैन मेक। बट अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में शेयर्ड है, तो लाइक यू डिवाइड दैट नंबर बाय टू टू गेट द एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी टू। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा क्या तुम्हें? मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने? यार मतलब अब मैं कैसे बताऊं, और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब इसको आप इस तरीके से समझ लो कि लाइक पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब यहां पर एक ही लड़का है, नहीं इनफैक्ट ये तो चलो ज्यादा अच्छी कंडीशन होगी, एक ही लड़का है और तीन लड़कियां हैं। यार मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, बट तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, हाँ, यहां पर ये डायग्राम में आप देखो ना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अराउंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म, एक H2 मॉलिक्यूल के अराउंड कितने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? राइट, तो यहां पर फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, बट ये कैसा हो गया आइसोलेशन में? अगर मैं देख रहा हूं, इफ आई आस्क यू दैट इफ आई लुक एट द इंटायर मॉलिक्यूल, मान लो इसमें एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एन ए इंटू फोर बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर हो रहा है ना, तो इफ आई आस्क यू कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो मेरा आंसर होना चाहिए एन ए इंटू टू। ठीक है, दैट ऑन एन एवरेज देर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज। ठीक है, जस्ट पर मॉलिक्यूल में अगर मैं पूछूंगा मैक्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो हाँ आप चार आंसर कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना, ये तो हम लोगों ने
बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करा, ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन था। एंड अगेन एज आई सेड, वापस से मैं रिहाइड्रेट कर देता हूँ, जब हम लोग ये डिस्कशन पढ़ रहे थे तो हमारा ऑब्जेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब स्टडी करना नहीं था। मैंने आपको इतना बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्फ्लुएंस हो पा रहा है, ठीक है, दैट इज इट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो विद दीज सेट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई प्रेजेंटेड, आई जस्ट टुक दोज एग्जांपल जहां पर मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर सा है, क्योंकि जो बॉइलिंग का थंब रूल रहता है वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मैंने ये ऐसे ही एग्जांपल्स यहाँ पे कंपेयर करे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर वेट काफी सिमिलर ही है। तो एटलीस्ट जो सबसे की फैक्टर रहता है बॉइलिंग पॉइंट का वो सिमिलर है, तो जो डिफरेंस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो वी अंडरस्टूड हाउ द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन इन्फ्लुएंसिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर मैंने ये वाला एग्जांपल किया था, इसमें जरूर मतलब लाइक जनरल ट्रेंड एज पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, एंड एक्सेप्शनली ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट सॉरी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ गया HF का, H2O का, NH3 का, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, देर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। कौन सा सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस के अंदर डिजॉल्व होगा, कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों होगा, बहुत सारी चीजें, बट एक थंब रूल क्या है सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दैट्स अ कॉमन थंब रूल। What do you mean by like dissolve like? So we understand that जो polar solute होते हैं वो generally polar solvent में अच्छे से mix हो जाते हैं, right? And non-polar में अच्छे से mix हो जाते हैं, ठीक है। Polar, for example, something like say ethanol, ठीक है, ये water में दोनों ही पोलर हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बट लेट्स से अगर मैं इथेनॉल को बेंजीन में या वाटर को बेंजीन में मिक्स करूंगा तो वो मिक्स नहीं होते, अच्छे से मिक्स नहीं होते, क्योंकि वाटर पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर आपस में मिल जाते हैं अच्छे से, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है एंड इसको मैं बेंजीन में मिलाऊंगा तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये हम बाद में देखेंगे, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, ये हम लोग बात करेंगे। मैं एक बार वापस से जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। हाँ, ऑयल नॉन पोलर हो गया, टिपिकली जो ये ऑयल रहते हैं दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, तो वो वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता है। तो ये थंब रूल रहता है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। नाउ अब विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, ठीक है, यहां पर लेट मी कंपेयर सर्टन एग्जाम्पल्स का सॉल्युबिलिटी इन वॉटर, ठीक है। सो यू हैव C2H5OH, यू हैव CH3OCH3 एंड से CH4 या C2H6, राइट, ऐसा कुछ कंपेरिजन है। इनका सॉल्युबिलिटी इन वॉटर, ठीक है,
कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कैसा रहेगा? एक गेस्ट वर्क करो अपनी तरफ से. ऑलराइट, सो इसमें कैसा आया आप लोगों ने गेस्ट वर्क करा? अब नोटिस करना, ये जो कंपाउंड है ठीक है, ये तो नॉन पोलर है. सी एच फोर मान लो या फिर सी टू एच सिक्स मान लो, ये तो कैसा है, नॉन पोलर है. तो ये नॉन पोलर तो वैसे भी वाटर पोलर होता है ठीक है. यहाँ पर जो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये सब वाटर के अंदर ही बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है कि सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर ठीक है. तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ये जो सी एच फोर था ये तो नॉन पोलर है, या सी टू एच सिक्स ले लो, नॉन पोलर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहेगी ठीक है. अब ये दोनों पोलर थे, सी टू एच फाइव भी ओ एच भी पोलर था और सी एच थ्री ओ सी एच थ्री भी पोलर था ठीक है. अब इन दोनों के बीच में आप अंतर नोटिस करना, यहाँ पे सी टू एच फाइव का ये वाला हाइड्रोजन जो है ये क्या कर सकता है, ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है. वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है एंड एज अ रिजल्ट इट कैन मिक्स बेटर, इट कैन शो मोर इंट्रैक्शन, इट कैन डिजोल्व बेटर एज कंपेयर टू. यहां पर आप नोटिस करोगे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लाइक पोलर नेचर है इसका ठीक है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं है. सो यहां पर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, अच्छा, इफ आई आस्क यू टू कंपेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस वर्सेस दिस इन वॉटर, आइसोमर्स हैं किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? हाँ हाँ वो आपकी बात सही है सार्थक, दैट यहाँ पर H2O कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इसका लोन पेयर राइट, वो यहाँ पर भी हो सकता था राइट, बट यहाँ पर एक और एडिशनल हाइड्रोजन है ना फॉर मेकिंग मोर बॉन्ड्स. यहाँ पर करेक्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि ये जो है अब अपना ये हाइड्रोजन यूज करके वाटर के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर, वेयर एज दिस विल बी फॉर्मिंग इंट्रा, दिस हाइड्रोजन विल बी फॉर्मिंग इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये वाटर के साथ में तो बस पोलर पोलर इंट्रैक्शन ही शो करेगा, बट यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्युबिलिटी और
बढ़ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट। अच्छा, एक और एग्जांपल जस्ट टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू दिस। सो यू हैव CH3, CH2, 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 CH2OH, ठीक है, वर्सेस CH3OH, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी इन वाटर? See, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ सिमिलैरिटी। बट वी फाइंड जहां पर हाइड्रोकार्बन की चेन छोटी है, ठीक है, दैट इज मोर कंड्यूसिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। This being bulkier, larger hydrocarbon chain, it influences how interactions will happen with water. It will decrease the interactions with water. Because of the presence of this larger group, what we say is that interactions with water will be inhibited. Solubility of CH3OH will come out to be more. ठीक है, so एक general यहाँ पर आपके लिए एक conclusion रहेगा for you to follow later. क्या conclusion रहेगा? Larger hydrocarbon chain, right? Lesser will be the solubility. Lesser interaction with solvent, or you can say lesser will be the solubility. ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अब नोटिस कर लेना, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल, राइट। सो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, हनी इज मोर विस्कस। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लाइक अट्रैक्टिंग वाटर, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इज हाइड्रोफिलिक, अभी उल्टा लिख दिया इसने, इडियट, इज हाइड्रोफोबिक, इज हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको हाइड्रोकार्बन को जनरली लाइक वाटर पसंद नहीं होता, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, दीज आर नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, सो दे आर नॉट मच fond of interacting with interaction with water. ठीक है, so even if यहाँ पर अगर hydrogen bonding के लिए एक OH available था, but ये non-polar वाला part अगर बड़ा है, तो ये क्या करता है? Interactions को inhibit करता है. And as a consequence, hydrogen bonding कम होगी, solubility भी कम हो जाएगी, द एक्सटेंट और द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ दिस बल्की नॉन पोलर ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, हाँ, कमिंग बैक टू दिस थर्ड प्रॉपर्टी विच वी आर ट्राइंग टू स्टडी, विस्कोसिटी।
राइट। सो विस्कोसिटी इस तरीके से यहां पर आप नोटिस करो, व्हाट इज मेंट बाय विस्कोसिटी, इज दिस द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, राइट। सो आपके पास मान लो कोई फ्लूइड है, राइट, एंड आप उसको ऐसे पोर कर रहे हो, कितनी गंदी ड्रॉइंग है मेरी, राइट। सो यू वुड नोटिस कि वाटर जो है वो फास्टर पोर हो जाता है, बट अगर यहां पर हनी रहेगा तो वो स्लोअर मैनर में पोर होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वी से दैट हनी इज मोर विस्कस, राइट, बिकॉज हनी इज मोर विस्कस, बिकॉज हनी के मॉलिक्यूल्स के बीच में like there is a greater force of attraction, ठीक है, नहीं thickness नहीं, thickness से relate नहीं करते, it is frictional force between layers of molecules. So यहाँ पर let's say if I ask you to compare between CH2, CH2OH, ठीक है, CH2, CH2OH and say CH3OH, right? इनके बीच में अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या रहेगा? अब इस केस में क्या रहेगा आप नोटिस करोगे, द ट्रेंड विल बी इन द फॉलोइंग मैनर, रीजन बीइंग आप इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, राइट। अब इसके जैसे ही और मॉलिक्यूल्स लाइक ए कंटेनर में पड़ा हुआ है और इसके जैसे ही और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स काफी सारे बन सकते हैं, like you can see the extent of hydrogen bonding that can happen versus in case of CH3OH, yahan pe bhi hydrogen bonding ho sakti hai, theek hai, but relative of this case, right, yahan par hydrogen bonding will be as per the situation one or two hydrogen bonds per molecule would be there, yahan par the possibility of hydrogen bonds is much more, the number of hydrogen bonds per molecule that can be forming. तो इससे क्या हो जाएगा, molecule molecule के बीच में attractive forces ज़्यादा रहेंगे, they will be well bonded to each other and as a result एक दूसरे के ऊपर slide करने में उनको दिक्कत आएगी, right? Because they are more attracted to each other. तो यहाँ पर viscosity ज़्यादा रहती है, like we call this as glycerol, glycol and methanol. ठीक है, तो यहां पर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज ग्लिसरॉल यहां पर ज्यादा विस्कस है एंड रीजन बीइंग ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्लेइंग द डोमिनेंट रोल।
अच्छा H2O और HF में भी आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो अभी अपने थोड़े टाइम पहले ही बोला था यहाँ पर, जस्ट थोड़े टाइम पहले डिस्कस करा था, एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल किसमें कितने आ रहे थे, यहाँ पर दो आ रहे थे, यहाँ पर वन आ रहा था, राइट। तो उसकी वजह से H2O की विस्कोसिटी HF से ज्यादा रहती है। बिकॉज यहां पर अगेन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एज कंपेयर टू इन केस ऑफ एच एफ। ठीक है, तो ये अनदर प्रॉपर्टी जिसपे आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज प्ले अ रोल। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। So, in fact, there are some, I would say, miscellaneous explanations only, जहाँ पर ऐसे on and off basis पे कई बार hydrogen bonding को use कर लिया जाता है to explain. तो एक दो cases आप यहाँ पे notice करो. And again, ऐसा मत सोचना कि आपसे like expected है कि आपको ये पहले से पता होगा. ठीक है, this is something which is being shown to you and then justification is being asked. So यहां पर ये statement आपके सामने, acetic acid forms dimer when dissolved in non-polar solvent like benzene. Acetic acid कैसा है? How is acetic acid as a molecule, polar or non-polar? Acetic acid is polar, right? Does acetic acid dissolve in water? The answer is yes. अच्छा solubility रहता है क्योंकि water भी polar ही है and like dissolves like. Now, when I talk about acetic acid in benzene. ठीक है, एसिटिक एसिड कैसा था? पोलर था, और बेंजीन तो नॉन पोलर रहता है. तो आपका एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहना चाहिए कि अरे एसिटिक एसिड तो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होना चाहिए बेंजीन के अंदर, क्योंकि एसिटिक एसिड पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है. तो यू आर गोइंग टू बी इंक्लाइंड टू से दैट कि हाँ, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, बट कम ही रहना चाहिए. बट सरप्राइजिंगली इट इज ऑब्जर्व दैट एसिटिक एसिड कैन डिसॉल्व टू अ गुड एक्सटेंट इन बेंजीन. नाउ हेयर द एक्सप्लेनेशन अगेन कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे? आप यहां नोटिस करना, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डिसॉल्व एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड टेंड्स टू फॉर्म दीज डाइमर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंड जस्ट ऐसा नहीं है कि बेंजीन है, मतलब अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी आप देखोगे उसमें ऐसा हो जाएगा दैट यहां पर बेंजीन एसिटिक एसिड इस तरीके से, ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, राइट, और ये दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है. अब आप नोटिस करो, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर डाइमर बना लेते हैं. तो ये क्या हो रहा है यहां पे, आप नोटिस करो कि पोलर पोलर पार्ट तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इंट्रैक्ट कर गया, एंड ये जो नॉन पोलर पार्ट रहा ये क्या करेगा, ये बेंजीन के साथ में इंटरैक्ट कर लेगा, एंड ये मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे. सो अगेन, नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग कि आपको ये पता होगा, दिस इज अगेन आई एम हाईलाइटिंग अ क्लासिक एग्जांपल वेयर एक्सप्लेनेशंस आर कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स. ठीक है,
दोबारा समझ लेना, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड कैसा है, पोलर कंपाउंड है। एसिटिक एसिड का अगर मैं मॉलिक्यूल देखूंगा तो ये जो पार्ट है एसिटिक एसिड का एक्चुअली ये पोलर पार्ट है, राइट। ये जो पार्ट रहेगा ये काइंड ऑफ नॉन पोलर है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज मच यू नो अट्रैक्टिंग और मच इंटरैक्टिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। बट क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बढ़िया से इंटरैक्ट करता है, तो इसकी वजह से एसिटिक एसिड अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। बट बेंजीन में, राइट, वी वुड ऑन अ फेयरली नॉर्मल बेसिस एक्सपेक्ट कि बेंजीन में एसिटिक एसिड या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होंगे उनमें एसिटिक एसिड डिजॉल्व ना हो। बट वी डू फाइंड सिग्निफिकेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड बिकॉज इट डज दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। जो पोलर को प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई क्योंकि पोलर ने पोलर के साथ में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए, राइट। ये एक एसिटिक एसिड आया, उसके पोलर ने दूसरे एसिटिक एसिड के पोलर के साथ बोला कि भाई अपनी बनती है, लेट्स मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अस, बाकी सॉल्वेंट गया भाड़ में। एंड देन ये जो नॉन पोलर वाले पार्ट थे दे आर लाइक कि हाँ हमें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट करना अच्छा लग रहा है, तो वी आर फाइन विद दिस। एंड एज अ होल लाइक दिस बिकम्स लाइक अ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट देन कैन मिक्स वेल विद द बेंजीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आया? अगेन एज आई सेड नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पहले से पता होगा ऐसी चीजें, दीज आर जस्ट सम एक्सप्लेनेशन दैट आर कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली वाटर एंड सर्टन अदर अल्कोहल्स दे ऑल्सो शो दिस टेंडेंसी, दे टेंड टू पॉलीमराइज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हेन डिसॉल्वड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। जैसे वाटर हो गया या कोई और अल्कोहल हो गए लाइक इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH, राइट। तो इनका कैसा है, इनको भी अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में ऐसे लाइक पॉलीमराइज कर जाएंगे, मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपस में आ जाएंगे और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने वाले हैं वो बनते जाएंगे एंड जो नॉन पोलर वाले हैं वो फिर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। हाँ करेक्ट, ठीक है। हाँ ओवरशूट तो हो गया टाइम, ठीक है। आप लोग आज का क्लास यहीं पे अपन लोग क्लोज करते हैं क्योंकि इसके आगे फिर आपका अगला क्लास है, तो इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ऑल राइट गाइज, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।